Hello friends and foodies, this is Ashish and I welcome you to Ek Plate Mumbai. Our sponsors are Calligraph Art, MBP Trust, Savan Navari Ready Mades and Chintamani Dhotar Arts. After a long break, aaj main ek naye exploration ke liye nikla hoon. Aur aaj main khane ja raha hoon ek meri one of the favorite dish. Ye kahan par hai? Andheri mein. As you can see, hum log Marol Metro Station ke bilkul samne khade hain aur yahan pe milne wala hai ek bahut hi acha dish. Wo kya hai aur kahan hai? Let's go and find out. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मरोल. यस, मरोल नाका मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है मिसल दरबार. यस, क्रिसेंट लैंडमार्क मकवाना रोड में ये है स्पॉट. बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है, मैंने आते से ही यहाँ देखा है. अच्छा सा एम्बियंस है, इट इज़ कोजी लिटिल प्लेस जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है मिसल के. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी गेट. व्हाट्स ए कम ऑन. तो गाइस, हमने हमारा टेस्टिंग राउंड शुरू कर दिया है और एज ऑलवेज हम खाने वाले हैं राउंड्स में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है. हम लोग ने आते से ही यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बहुत सारी मिसल के टाइप्स हैं. जब मिसल की बात आती है तो पहली मिसल जो दिमाग में आती है वो है पुणेरी मिसल, और मेरे सामने आ चुकी है हमारी पुणेरी मिसल और मेरा फेवरेट चीज़ पुणेरी मिसल. यहाँ पर एक बोल में उन्होंने है ये जो है उसर दिया है. यहाँ पर है फरसान और आई कैन सी यहाँ पर आलू भी है आई सपोज. मैं उसको और डिसेक्ट करने वाला हूँ. बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर, बंज है, प्याज है और नींबू है. सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ इट टेस्ट. यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा एक सेक्शन ऑफ आलू है. यहाँ पे इसके नीचे स्पाइसी मूंग है, उसके नीचे मिक्स फरसान है. नाउ लेट्स सी इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगता है. आई हियर इट गोज. कस्टमाइजेशन इज़ ऑलवेज गुड. ये मटकी है, इसके अंदर सींग भी है. मज़ा आ गया. और अब मैं इसको खाने वाला हूँ द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन पाव के साथ. यहाँ पे फरसान में जो कॉर्न वाला फ्लेक्स है इट्स लिटिल स्वीट. उसल इज तीखा. नींबू की वजह से टैंग आ जाता है. प्याज गिव्स द क्रंच और पाव तो है ही. बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. और चीज़ और आलू जो है इसको बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी दे रहा है. यूजुअली जब हम बाहर मिसल खाते हैं वो इतनी पतली पतली होती है. सो गाइस, फर्स्ट राउंड वाज लवली. मस्ट ट्राई द पुणेरी चीज़ मिसल. सो गाइस, फर्स्ट राउंड हो चुका है. बहुत मज़ा आया. मिसल सीरियसली तीखी थी और तीखी मिसल खाने का मज़ा ही कुछ और होता है. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्यूरियस हूँ मेरा सेकेंड राउंड क्या होने वाला है. वो लुक एट दैट, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लैटर. मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या क्या है. प्रीवियस मिसल में था उसल का बोल था, यहाँ पर फरसान है जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं इस बार, क्योंकि मैं इस बार अपने चीज़ को मिस करने वाला हूँ. आई एम रियली मिसिंग द चीज़, लेकिन इट्स ओके. यहाँ पर है आलू, दिस इज़ मटकी राइट, और यहाँ पर है सेव, हियर यू गेट दही. यहाँ पर स्वीट है, दिस इज़ छास वाव. और यहाँ पर है प्याज, और यहाँ पर है फोर बंस. चार पाव है इसके साथ, क्योंकि हाँ इतनी सारी चीज़ें खानी है तो चार पाव तो मिनिमम लगने वाले हैं. और गाइस आप मुझे इसे देखने वाले हैं चुटकियों में कैसे ख़त्म करता हूँ मैं ये सब. लेट्स स्टार्ट विद द मील. मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि अब मैं हर चीज़ को सेपरेटली टेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं तो पहले ट्राई करने वाला हूँ कि ये मटकी का जो कैसा लगता है. ये दिखा नहीं है, अब पता चला. मुझे लगा था पहले ये दिखा होगा, लेकिन दिखा ये है. वाह, ऐसी वैसी आलू की सब्ज़ी नहीं है. दिस इज़ रियली नाइस. अभी मैं अपने मिसल को रेडी कर लेता हूँ. वाई नॉट आई टेस्ट दिस. मस्त है, यम. मेरा बस चले तो मैं किसी चीज़ को मिक्स ना करूँ, मैं पाव को इसके साथ ही खाऊँ. सीरियसली इतना टेस्टी है. ये कस्टमाइजेशन का आइडिया मुझे हमेशा से ही जो है पसंद आता है.
जितना फरसान आपको खाना है उतना लीजिए, जितना मसल आपको डालना है उतना डालिए। एक्सपेरिमेंट करने में हमेशा जो मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता। यम, मज़ा आ गया। त्याला म्हणतात झणझणीत मिसळ, मिसळ असावी तर अशी नाही तर नकोच, ये है असली मिसळ। बहुत मज़ा आ गया। नाउ आफ्टर अ स्पाइसी बाइट ऑफ दिस मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। नाइस एंड रिफ्रेशिंग, चिल्ड है, कोरिएंडर जो है बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट दे रहा है। ऐसी चीज़ें खाने में सीरियसली मज़ा आता है जब आपको एक ही प्लेट में बहुत सारे फ्लेवर्स मिले। स्वीट है, मैं वो लास्ट में खाने वाला हूँ। अभी द अल्टीमेट बाइट ऑफ मिसल पाव, और दिस टाइम मैं जो है उसल थोड़ी ज़्यादा लेने वाला हूँ। फर्स्ट चीज़, आपको खाते वक्त यू फील द स्पाइसीनेस इन योर माउथ। खाते वक्त व्हेन यू इनहेल, तीखापन आपको जो है अरोमा में आता है। एंड द लास्ट, जब आप उसको सोलो करते हैं यू फील द तीखापन यहाँ पर। जब ये तीनों जगह आप हिट करें द मिसल इज़ परफेक्ट, एंड दिस इज़ दैट वन। मज़ा आ गया गाइज, दिस इज़ एन अल्टीमेट प्लेस। अगर आप मिसल फैन है तो ज़रूर आपका यहाँ आना बनता है। दिस इज़ अ प्रॉपर मील, सो खाली पेट लेके आइए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, आपको सारे फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा। एक बाइट इसका ख़त्म करने वाला हूँ और मैं क्यूरियस हूँ स्वीट की तरफ। आई सपोज कोई बर्फी है, आई एम क्यूरियस। यम, बहुत अच्छी है, ओवर स्वीट नहीं है, मज़ा आ गया। तो गाइस ज़रूर आइए, यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलने वाला है, उसको रीड कीजिए, आपके मैप में लोकेशन को एंटर कीजिए, GPS पे डालिए, यहाँ आने के लिए निकलिए। तब तक मैं ये प्लेटर ख़त्म करता हूँ, बस बाय। फाइनली मैं ये प्लेटर ख़त्म कर चुका हूँ, अब बहुत मज़ा आया गाइस। इतना मज़ा मुझे शायद अब तक के बेस्ट मसल्स में नहीं आया था। वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइस, ज़रूर आइए मेरी तरह और ये प्लेटर यहाँ पे ख़त्म कीजिए। गाइस मैं इसको फिनिशिंग टचेस दे रहा हूँ, स्टार्ट प्लानिंग विजिट हियर। सो दिस इज़ आवर थर्ड राउंड, और मुझे रिकमेंडेशन पे ये एक प्लेटर मिला है जहाँ पे यहाँ के सारे मिसल्स के उसल सैंपल दिए गए हैं, सो दैट मैं सारे टेस्ट कर सकूँ और पता कर सकूँ डिफरेंट एग्जैक्टली है क्या। मुझे कहा गया है कि ये जो है नागपुरी मिसल का जो है उसल है। दिस इज़ मालवणी उसल, दिस इज़ मस्तानी उसल, दिस इज़ ग्रीन उसल, एंड दिस इज़ माई फेवरेट सो फार इज़ कॉर्न उसल। सो मैं फर्स्ट ट्राई करने वाला हूँ नागपुरी। कलर में सबसे डार्क नागपुरी लग रहा है मुझे, एक 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 डिफरेंट स्पाइसीनेस है इसमें। सो अब मैं खाने वाला हूँ, हाँ आई कैन सी मालवणी उसल में यहाँ पे चौड़ी है, वाटाणा है एंड मटकी है। सो दिस इज चौली, ग्रीन पी और मटकी। तो देखते हैं, ये थोड़ा ब्राइट है, थोड़ा रेडिश इन कलर है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत मतलब प्रॉपर ज़मीन आसमान का फ़र्क कह सकूँगा। ऐसा नहीं कि 19-20 का फ़र्क है, ये इसमें तीखापन ज़्यादा है यहाँ पे, आई मीन खट्टापन है, इसमें एक डिफरेंट टैंग है। दिस इज़ स्पाइसी, दिस इज़ टैंगी। सो अभी हम आ चुके हैं बाजीराव की मस्तानी, दिस इज़ मस्तानी। ये इसका जो है शेड कुछ येलोइश है, सो दिस इज़ प्रॉपरली मिक्स्ड, लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट्स। मुझे इसमें कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, शायद लेस स्पाइसियर, लेकिन इसमें टेस्ट ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। अब हम आते हैं ग्रीन उसल की तरफ, जो कि कलर से ही ग्रीन है। यहाँ पे वैरायटी है, दिस इज़ लाइक सारे कलर्स हैं इस प्लेटर में। सो ग्रीन उसल, और मुझे पता चला है कि ग्रीन उसल जो है दिस इज़ अ नॉन स्पाइसी उसल ओवर हियर। नॉन स्पाइसी का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल तीखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे कम तीखी है। नाउ द टर्न हैज़ कम फॉर द कॉर्न उसल। ये एक लिटिल माइल्ड है, इसमें एक हल्का सा डिफरेंट स्वीटनेस है। हर उसल में मसाला डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, एंड ऑब्वियसली खा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। जब आप यहाँ खाने आते हैं तो आपके टेस्ट जो पैलेट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको बहुत तीखी और झणझणीत मिसल पसंद है तो आप ज़रूर यहाँ पर नागपुरी खाइएगा। पुणेरी तो है ही, जब जो पुणेरी में मसालों का फ्लेवर ज़्यादा उभर के आता है। अगर आपको नॉन स्पाइसी पसंद है लेकिन टेस्टी पसंद है तो ज़रूर आप यहाँ पे ग्रीन ट्राई कीजिएगा। जिनको कॉर्न और स्वीट वाला पसंद है तो आप यहाँ पे ये जो है कॉर्न वाला खाइए।
लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, समथिंग डिफरेंट विद द उसर्स एंड मिसर्स, मस्तानी इज़ फॉर यू। सो गाइज, दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता था कि मैं मिसर्स का भी एक अच्छा सा वैरायटी, उसर का वैरायटी जो है टेस्ट करने मिलेगा, लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो गाइज, डू कम ओवर हियर एंड ट्राई एवरी बिट ऑफ इट। सो फाइनली, हमारे सारे राउंड्स खाने के बाद, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद, हम यहाँ बात करने वाले हैं यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर से, अल्पेश से। हेलो अल्पेश, हाउ आर यू? सो ये है अल्पेश पंडित, राइट? सो अल्पेश, मैं जानना चाहूँगा ये जगह है कितने वक्त से? 7 months। मिसल में पुणेरी और कोल्हापुरी अब तक बहुत ज़्यादा खाई भी जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, और यहाँ पर मैंने आते से ही ये चीज़ देखी जो कि सबसे ज़्यादा कैची लगी मुझे। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस? जैसे कि अखा मसूर है, अखा मसूर ड्राई, जैसे ड्राई सब्जी में बनाया जाता है, बटर पाव है। अच्छा, ओके, बटर पाव के साथ खाया जाता है। दैट्स ग्रेट। ओके, सो वो ग्रेवी जैसा होगा, राइट? ओके, थिक ग्रेवी। ओके, सेकेंड वाला इज नागपुर मिसल। ओके, वो आता है उसमें साउजी मसाले में बनती है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है दरबार मिसल से, उसका डिफरेंट टेस्ट। सो नेक्स्ट इज ग्रीन मिसल। ओके, नॉन स्पाइसी है, ग्रीन मसाले यूज होते हैं। अच्छा, ग्रीन मसाले से अपने ग्रीन सब्जियाँ रहती है, उसके ग्रीन मसाले बने जाते हैं। दैट्स नाइस, और वो सीक्रेट है। नेक्स्ट इज दरबार मिसल। तो ये यहाँ की जो है स्पेशल मिसल है, राइट? उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। यहाँ पर ये बेस्ट सेलर है, राइट? ऑब्वियसली ये यहाँ का सबसे जो है टेस्टीएस्ट मिसल है। कभी काउंट में आया है कि वो कितनी बिक जाती है दिन में? दिन में 150 लगभग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और वर्किंग आवर्स, मतलब आवर्स क्या है? मॉर्निंग 8 o'clock से नाइट 10 o'clock। 8 to 10, दैट्स अ नाइस स्पैन। यहाँ पे जैन मिसल और जैन पाव भाजी है, तो ये अभी भी मेन्यू में है? मेन्यू में है। गाइस, यू हैव टू बी हियर, जैन पाव भाजी भी है और जैन मिसल भी है। मालवणी मिसल में ऐसा डिफरेंट क्या है? क्योंकि मुझे एक डिफरेंट खट्टापन और टैंग लगा, वो क्या है? मालवणी में हम लोग मालवणी मसाले यूज़ करते हैं, जैसे नागपुर में दरबार में हमारे जो स्पाइसी मसाले हैं वो मुश्किल यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला हूँ और हर किसी को यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ कि ज़रूर आइए। दरबार मिसल तो ट्राई कीजिए, लेकिन यहाँ पे मालवणी मिसल भी है जो बहुत डिफरेंट और अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड गिविंग अस ऑल दिस वैरायटी ऑफ डिश। थैंक यू सो मच। और मैं हमारी तरफ से और हमारे सारे फूडीज की तरफ से हमारा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एक थैंक यू देना चाहूँगा। गाइस, यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ की मिसल एक्चुअली झनझनीत मराठी पुणेरी टिपिकल मिसल है, ज़रूर आइए, एक्सपीरियंस वंडरफुल रहेगा। सो यहाँ पे आने के लिए आपको बस ये करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस और लोकेशन लिंक को फॉलो करना है, एंड यू विल बी हियर। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर आइए, और मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, लकी फूडी बनने के लिए आपको बस ये करना है कि पूछे गए सवाल का जवाब देना है। और इस एपिसोड का सवाल है कि लास्ट एपिसोड ग्रिल्स ऑन व्हील्स में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का नाम क्या था, उस ड्रिंक का नाम बताइए। आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लकी फूडी बनकर नेक्स्ट स्पॉट में मेरे साथ खा सकते हैं। ज़रूर यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, मेरे अदर वीडियोस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और मेरे रीसेंट वीडियो के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक प्लेट मुंबई।